बच्चों आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आज मैं आपको बुद्धिमान व्यक्ति की कीमत बता रही हूँ। आज के संसार में भी बुद्धिमान लोगों का बहुत अधिक मान होता है, उनको बहुत अधिक इज्जत मिलती है, कहीं भी उनको धोखा नहीं खाना पड़ता है, सब लोग उनको आज भी स्नेह करती है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही पुरानी कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो लखटकिया राम की है, जो बहुत ही विद्वान थे, उनकी कहानी मैं सुना रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि कृष्णदेव महाराज और लखटकिया जी में बहुत अधिक कहा सुनी हो गई, दोनों में थोड़ा सा झगड़ा बढ़ गया, तो राजा ने उनको देश से निकल जाने के लिए कह दिया। तो लखटकिया भी ताव ताव में राजा का राज्य छोड़कर चले गए और जाकर एक दूसरे गांव में रहने लगे। अब राजा को जब वो नहीं आए तो राजा को उनकी लखटकिया की कीमत का एहसास हुआ। राजा को लखटकिया की कीमत का एहसास हुआ, उनके राज्य में बहुत अधिक परेशानियां आने लगी। अब तो राजा बड़े दुखी हुए, बोले मैंने जरा सी गुस्सा में अपने एक बहुत बड़े विद्वान को खो दिया है। तो राजा ने कहा कि अब क्या किया जाए। राजा ने चारों तरफ लखटकिया को ढूंढवाया, लेकिन लखटकिया भी एक जगह जाकर छिप कर बैठ गए थे। राजा कृष्णदेव भी विद्वान तो थे ही, उनमें भी बुद्धि की कमी नहीं थी। उन्होंने एक योजना बनाई और सारे अपने पूरे राज्य में, आसपास के राज्यों में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी अपना कुआ हमारे यहाँ लेकर नहीं आएगा, हम उसको 25,000 स्वर्ण मुद्राओं का दंड देंगे, क्योंकि हमें अपने शाही महल में कुएं का विवाह करना है। यह घोषणा चारों तरफ भेज दी गई। अब तो हर जगह के सरपंच बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हर सरपंच को कुआं लेके जाना है, अगर कुआं लेकर नहीं जाएंगे तो राजा हमसे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगेगा, हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो इतनी स्वर्ण मुद्राएं हैं ही नहीं। सभी बहुत परेशान हुए। तो लखटकिया ने भी यह घोषणा सुनी, तो लखटकिया समझ गया कि राजा ने मेरा पता लगाने के लिए यह घोषणा करवाई है। और लखटकिया ने उस राज्य के सरपंच को बुलाया और कहा कि भैया, आपने मुझे इतने दिन शरण दी है, अब मेरा आपका कर्जा चुकाने का समय आ गया है और अब हमें आपका कर्जा चुका देना चाहिए। उन्होंने कहा कैसे। बोले महाराज ने आज्ञा की है, घोषणा की है कि जो कोई भी अपने कुएं को हमारे यहाँ नहीं लाएगा, उस सरपंच को हम 25,000 स्वर्ण मुद्राओं का दंड देंगे। तो भैया, वो आपकी 25,000 स्वर्ण मुद्राएं हम बचाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें। उन्होंने कहा भैया, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करते चलो। उनका ठीक है। वह सरपंच गांव के कुछ बड़े बड़े लोगों को लेकर और लखटकिया को साथ लेकर राजा कृष्णदेव के यहाँ पहुँच गए और उन्होंने जाकर कहा कि महाराज, हमारा कुआ आपके राज्य के पास आ चुका है और आप हमारे कुएं की अगवानी करने के लिए चलिए। हमारा कुआ आपके राज्य के पास आ चुका है और आप हमारे राज्य के कुएं की अगवानी करने के लिए चलिए। तो कृष्णदेव समझ गए कि हो ना हो लखटकिया इन्हीं के राज्य में है। और उन्होंने कहा कि भैया, आपके संग कौन कौन आया है, आपको यह किसने बताया, किसने ऐसी शिक्षा दी है। तो उन्होंने कहा महाराज, कुछ दिनों पहले हमारे संग हमारे गांव में एक परदेशी आया था, वह बड़ी मुसीबत में था और हमने उसको आश्रय दिया था। तो वह कह रहा है कि हमें आज आपके कर्जा चुकाने का समय मिल गया है, अतः आप राजा से जाकर ऐसा ऐसा कह दो। तो राजा समझ गए कि यह कोई वॉर नहीं, लखटकिया ही है, लखटकिया राम में ही इतनी बुद्धि है। और राजा ने अच्छे बैंड बाजों सहित कुएं का अगवानी करने के लिए सभी को, मंत्रियों सहित राजा उस जगह पहुंच गए जहां पर लखटकिया
अपने कुएं को लेकर आए हुए थे और लखटकिया को देखकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और महाराज ने लखटकिया को गले से लगा लिया और कहा, आप जैसे विद्वान को मैं अपने राज्य से निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि आपके जाने के बाद तो मेरे राज्य में असंख्य मुसीबतें आईं जिसका हल निकालने वाला कोई भी नहीं रहा। विद्वान की तो हर जगह कीमत होती है, विद्वान मनुष्य को हर जगह पूछा जाता है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। और राजा बड़े ही आदर के साथ लखटकिया को अपने महल में ले आए। भैया, हर समय में हर युग में विद्वानों की कीमत रही है, जैसे कि राजा अकबर और बीरबल। अकबर भी बीरबल को बहुत अधिक स्नेह करते थे और उन्होंने बीरबल को अपने नवरत्नों में रख लिया था। इसी तरह कृष्णदेव के राज्य में लखटकिया राम नाम का एक विद्वान युवक था। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हो तो लाइक तो करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए।